हेलो दोस्तों, मैं शिवकुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। क्लास टेंथ के बेसिक साइंस के सफर में आज हम लोग तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखेंगे। हमारा टॉपिक है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और उसको कितने नियमों से हम मतलब कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, उसके लिए कितने नियम याद करने पड़ेंगे, ये सारी चीज आज हम सीखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि जो परमाणु होता है उसके विभिन्न कोष में इलेक्ट्रॉन कितनी कितनी संख्या में रहते हैं। मतलब बोहर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि परमाणु के चारों ओर अनंत वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बताया ना कि पहले इलेक्ट्रॉन में 10 पहले कोष में 10 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, दूसरे में 25, तीसरे में, मतलब संख्या तो नहीं बताना कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो बाद में वैज्ञानिकों ने इस चीज का भी मतलब कि इस समस्या का भी समाधान किया। किन किन वैज्ञानिकों ने किया? बोहर और बरी नामक वैज्ञानिकों ने। तो बोहर बरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा गया, ठीक है। बोहर बरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कुल हम 5 नियम यहां पर लिखे हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से समझेंगे तो यह आपको जरूर समझ में आएगा और यह आप जानने लगेंगे किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अंत तक अगर आप वीडियो देखेंगे यह बात आपसे जरूर स्पष्ट होगी। वीडियो थोड़ा आज लंबा हो सकता है समझाने में, ठीक है। देखिए, सबसे पहला नियम जो है लिखा है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n उस कोष की क्रम संख्या है। मतलब बोहर ने क्या बोला कि परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में धनावेश होता है, इसलिए प्लस का चिन्ह लिखा है, और नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षा, 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 ऐसी ढेर सारी कक्षाएं होती है। ये कक्षा, ये कक्षा, ये कक्षा, ये कक्षा, ये कक्षा, ऐसी ढेर सारी कक्षा होती है। इन कक्षाओं को कोष भी कहा जाता है। तो पहला नियम क्या कह रहा है, किसी कोष में मतलब कोई सा भी कोष, ये कोई सा भी कोष, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, अधिक से अधिक संख्या 2n² होती है, जहां n उस कोष की क्रम संख्या है। n जो है उस कोष की क्या है, क्रम संख्या। मतलब अगर यह वाला कोष होगा तो यह के लिए 1 लिखा जाएगा, क्योंकि नाभिक के बाद यह पहला कोष है। यह कोष होगे तो यह का मान कितना रखा जाएगा, 2, क्योंकि नाभिक के बाद दूसरी कक्षा है। यहां लिखा ना, यह उस कोष की क्रम संख्या, क्रम से आने वाली संख्या। बस आप समझते चलिए, फिर सबका एग्जांपल लेकर हम जरूर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला नियम क्या है, फिर से ध्यान से समझ लें, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n उस कोष की क्रम संख्या है, ठीक है, ध्यान दें। अब एक बात मैं बताऊं, जो पहला कोष होता है उसको k से प्रदर्शित करते हैं, यह नोट कर ले, समझ ले, आगे इसी क्लास टेंथ के जो चैप्टर धातु अधातु है वहां पर हमें इनकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप अभी से समझ रहे हैं। पहला कोष क्या होता है, के, दूसरा एल, तीसरा M, तीसरा सॉरी चौथा N। तो और कोष होती है, और कक्षा होती है, लेकिन मुख्य रूप से विचार ही नहीं है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार पहली कोष मतलब K वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 आप रख लीजिए कुर्ते। N क्या है, N कोष की क्रम संख्या, तो ये कौन सा कोष है, पहला कोष, तो N की वैल्यू कितनी होगी, 1, और 1 पर आप स्क्वायर लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आया। इसका मतलब के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन के कोष में, पहली कोष में अधिक से अधिक मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पहले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे, ठीक है। चलिए,
के सेल की बात अगर करें तो यहां पर ये जो दो रहे गए इनटू यन कोश की क्रम संख्या, तो दूसरा नंबर आ गया, यन की संख्या क्या लिखेंगे, दो, तो दो का स्क्वायर करें, दो का स्क्वायर चार, चार दोनों कितना हो जाएगा आठ, मतलब दूसरे कोष में अधिक से अधिक आठ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसी प्रकार से इसके लिए लिखे थे तो 2n² के सूत्र से 2 n की जगह आप कितना लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना कितना हो जाएगा 18। इसी प्रकार से इसके लिए 2 n का मान 4 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 गुना कितना हो जाएगा 32। तो पहला नियम हम लोगों ने क्लियर किया, क्या क्लियर किया, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां यह कोश की क्रम संख्या है। इसका मतलब कि उदाहरण लेते हुए पाया कि के कोश मतलब पहले कोश में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, या दूसरे कोश में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन, या तीसरे कोश में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन, या चौथे कोश में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला अच्छे से समझ गए, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा बोला है कि बाह्य कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारे पास 118 एलिमेंट है जिसमें से हमने आपको 100 एलिमेंट्स के नाम याद करा दिए हैं। बेसिक साइंस क्लास फॉर क्लास टेंथ का जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर देखिए, हमने एलिमेंट्स नेम 100 तक की याद कराया, 5 वीडियो में 20-20 करके याद कराया ताकि आप सभी को याद भी हो जाए। एलिमेंट्स नेम याद कर ले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपसे करवा कर ही रहूंगा, ठीक है, ध्यान दे। तो हमने क्या बोला दूसरे में कि बाह्य कोश मतलब जो बाहरी वाला कोश है, आप इलेक्ट्रॉन फेल कर रहे हो तो लास्ट में जो बाहर वाला कोश आएगा, आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो भरते भरते आपका एक लास्ट कोश तो आएगा ही, तो उस बाह्य कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 8, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तथा उससे पहले वाले कोश में, उससे पहले वाले बाह्यतम के पहले वाले कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस रूल का उपयोग कहां किया जाएगा ये जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूरा उदाहरण दूंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। बस इतना याद रखिए दूसरे नियम में कि बाह्य कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कोश में, और उससे पहले अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अगर संभावना है तो। अब नहीं क्या हाइड्रोजन का उदाहरण ले ले, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, 1 को इलेक्ट्रॉन होता तो 1 की तो इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कहां रखेंगे, तो जिसमें बंद पड़ेगा उसके लिए यह नियम है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, जिन तत्वों में संभावना होगी कि उसके लास्ट में 8 आ रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, और उसके पहले वाले में आप कितना अधिक से अधिक रख सकते हो 18, इससे मतलब अधिक आप नहीं कर सकते हो, इससे अधिक कब करोगे होगा कि नहीं होगा वो आगे नियमों को पढ़ने पर समझ में आएगा। दूसरा नियम यह, तीसरा नियम बोल रहा है प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है, वो तो रोल से भी पता चला था, ठीक है, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन अगली वाली कक्षा में प्रवेश करते हैं, सिंपल बात है भाई, पहली कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जब इसमें भर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, जाहिर सी बात है अगली वाली कक्षा में जाएगा, तो यह नियम आप याद करें या ना याद करिए तो ऐसे भी समझ में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद, ये बड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है, किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद उससे अगली वाली कक्षा में, दो बार मैंने में लिखा, उससे अगली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ हो जाते हैं, मतलब कहने का अर्थ है आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होता है आप ये देखेंगे, ये आपको पता, मतलब ध्यान दे, कहने का अर्थ यह है कि किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद चाहे उस कक्षा में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इस नियम से भरा हो या ना भरा हो, 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही उस कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन अगले वाले कक्षा में भरना प्रारंभ हो जाते हैं। ध्यान से समझे, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही होता है, अब उस कक्षा में अगर 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं या 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, चाहे जितने रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होगा नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में भरना प्रारंभ हो जाते हैं। विशेषतर यह आपको ध्यान देना होगा और समझना होगा, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद इलेक्ट्रॉन उससे अगली वाली कक्षा में भरना प्रारंभ हो जाते हैं। एक और बचा है, समझा रहा हूं, फिर पांचों को दो बार आपसे रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि सबसे बाहरी वाली कक्षा में 2
दो इलेक्ट्रॉनों से अधिक, बड़े ध्यान समझे, सबसे बाहरी वाली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों से अधिक तथा उससे अंदर वाली कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉनों से अधिक, सबसे बाहरी वाली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों से अधिक तथा उससे अंदर वाली कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉनों से अधिक, तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उससे, जब तक कि बाहर से तीसरी भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन डेल स्क्वायर नियम द्वारा पूर्ण ना हो। तो ये क्या लिखा है, इतना बड़ा सेंटेंस आप घबराना, मैं समझा रहा हूं। बोल रहा है सबसे जो बाहरी वाली कक्षा है, सबसे बाहरी वाली कक्षा उसमें दो इलेक्ट्रॉन से अधिक, सबसे बाहरी वाली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन से अधिक और उससे अंदर वाली कक्षा में, उससे अंदर वाली कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉनों से अधिक, तब तक नहीं होंगे। ध्यान से सुने, सबसे बाहरी वाली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों से अधिक और उससे अंदर वाली कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉनों से अधिक, तब तक नहीं होंगे जब तक कि उसके भीतरी, मतलब बाहर से बाहर वाला हो गया, फिर से भीतरी, तो बाहर से तीसरी भीतरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नियम से पूर्ण ना हो। कहने का अर्थ है कि बाहर से तीसरी भीतरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के नियम द्वारा पूरा भरे नहीं है तो सबसे बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन और उससे अंदर वाली कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रख सकते हैं। यह इस रूल का मतलब है। ठीक है, एक बार मैं फिर से सारे नियमों को समझा देता हूं और फिर ध्यान दें, कम से कम 25 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको करके दिखा रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं पूरा क्रम से 1 से 50 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाऊंगा भी, जिसे आप नोट भी करेंगे। आज ये 1 से 25 तक मैं करूंगा, वो जल्दी से इन नियमों को समझने के लिए, मतलब कि करूंगा और लिखूंगा। ठीक है, आज का वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब मैं समझाऊंगा तो वहां से लिख लेना। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं क्या लिखा है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है, जहां n उस कोश की क्रम संख्या है। तब कोई सी भी कोश है, उस कोश में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, यह जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2n स्क्वायर होगा, n क्या है, उस कोश की क्रम संख्या। जैसे कोई पूछे चौथे कोश में, तो n के जगह 4 रखकर 4 का स्क्वायर करोगे 16 और उसमें 2 का गुणा 16 गुना 32, चौथे कोश में 32, तीसरे में 18 और दूसरे में 8 और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकते, कम से कम अधिक से। ठीक है, नेक्स्ट, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, उससे पहले वाले कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब संभावना बनेगी कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक, उससे पहले वाले में 18 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ध्यान दें, ये तो हमने बताया कि प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2, और जब प्रथम कक्षा भर जाए में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे, तो आप जानते हैं इतना पढ़ने, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर फोकस करिए, हमेशा फोकस करिए इन दोनों लाइनों पर, यही आपको पूरा डिसाइड कराएंगे। ठीक है, लिखा है किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद इलेक्ट्रॉन उससे, सॉरी, हाँ, किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद जो मतलब इलेक्ट्रॉन है उससे अगले वाले कक्षा में भरना प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब कोई सा भी कक्षा हुआ अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आया तो जैसे ही 8 हुआ उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगले वाले कक्षा में भरना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे बाहरी वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे अंदर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं हो सकते जब तक कि बाहर से तीसरी भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस नियम से पूर्ण ना हो, n स्क्वायर के नियम के द्वारा पूर्ण ना हो। अब मैं 25 तक के एग्जाम्पल को लेकर आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा, आप बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एलिमेंट्स के नेम तो याद ही होंगे, मैं सिंपल यूज करूंगा, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, 16 तक तत्वों के नाम लिखे। ठीक है, ध्यान दें, जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह आपको पहले से पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसका इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास मात्र 1 होगा, मतलब पहले ही कोश में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इलेक्ट्रॉन इसलिए 2, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, आप देखें तीसरे परमाणु में तो 3 होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। अब जरा ध्यान देना, 3 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में कितने रहते हैं, 2, अभी भी सीखा पहले कोश में कितने रहते हैं, 2, उन 3 में से 2 पहले कोश में और 1 अगले कोश में, क्योंकि बोला था कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कहां गया,
हाँ, दो पहले कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद अगले कक्षा में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो पहले में दो फिर अगले में एक, फिर यहाँ पहले में दो फिर अगले में दो हो जाएगा, फिर दो फिर अगले में तीन, फिर दो अगले में चार, फिर दो अगले में पांच, फिर दो अगले में छह, फिर दो अगले में सात, फिर दो अगले में आठ, फिर दो अगले में नौ। क्या नहीं बच्चा, अगले में नौ नहीं, क्यों? क्योंकि अगले को कोई रोल होगा ना यहाँ पर, ये देखिए चौथा रोल मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा? किसी भी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है उससे अगली वाली कक्षा में भरना प्रारंभ करते हैं। ये आप ध्यान दीजिए, पहली बात तो दूसरी कक्षा में आठ से अधिक ऐसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, और इस नियम के अकॉर्डिंग भी आठ से इलेक्ट्रॉन होने के बाद हम अगले वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ जैसे ही आठ हुआ, आठ के बाद जो भी बच रहा है, ये तो दस में पढ़ा था, आठ को दस करें तीघ्रह में पढ़ा है, तो आठ को दस और एक बचा इलेक्ट्रॉन अगले में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका दो का आठ का मन एक, इसमें दो का आठ का मन दो, ठीक है ना? ध्यान में दो का मा आठ का मा, अब देखिए एक लास्ट में दो है, सबसे बाहरी वाली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों से उससे अंदर वाली कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉनों से अधिक तब तक नहीं हो सकते जब तक कि बाहर से तीसरी भीतरी कक्षा स्क्वायर के नियम से पूर्ण ना हो। तो अब इसमें मतलब दो से अधिक तब तक नहीं रखें कब तक कि उससे मतलब बाहर से तीसरी भीतरी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन क्वेयर स्क्वायर के नियम से पूर्ण ना हो। तो क्या ये क्वेयर स्क्वायर के नियम से पूर्ण नहीं है? बिल्कुल ये तो है, अगर ये है तो वहां दो से अधिक रख सकते हो, तीन, फिर दो का आठ का मन चार, फिर दो का आठ का मन पांच, फिर दो का आठ का मन छह। तो सल्फर तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कर लिया, आज बस ऐसे जनरली कर रहे हैं नियम समझाने के लिए, बाकी कल पूरा सब विस्तारित करेंगे, ठीक है? सल्फर के बाद तत्व का नाम आएगा क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज नंबर है। तो 17 परमाणु क्रमांक थे, पहले में दो हो चुका है, दूसरे में आठ, तीसरे में छह था, अब सात हो जाएगा क्योंकि आठ दो दस था 17, फिर दो का मा आठ का मा आठ, आठ दो दस आठ 18, फिर दो का मा आठ का मा क्या नौ हो गया ना? नौ नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि जैसे ही आठ इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा इलेक्ट्रॉन अगले वाले में चला जाएगा, यहाँ आठ होने के बाद इलेक्ट्रॉन अगले वाले में चला जाएगा, ठीक है? दो का मा आठ का मा आठ का मा दो, दो का मा आठ का मा आठ का बाहर में दो आया क्या? हाँ, अगर बाहर में दो आया तो इलेक्ट्रॉन एक नियम तो लगना चाहिए, सबसे बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों से तथा उससे अंदर वाली कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते, मतलब बाहर में दो इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मतलब बाहर से तीसरी भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्वेयर स्क्वायर के नियम से पूर्ण ना हो, ठीक है? तो आप या फिर मतलब कि उससे भीतरी वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इस नियम से अगर तब तक पूर्ण नहीं रहेंगे तब तक आप बाहर वाले में दो नहीं लिख सकते, दो से अधिक नहीं रख सकते। अब देखिए तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले कोर्स में, अब नियम नंबर फर्स्ट में एग्जांपल जो था वहां समझिएगा, पहले में अधिक से अधिक दो, दूसरे में अधिक से अधिक आठ, तीसरे में अधिक से अधिक 18 रह सकते ना, अभी है कितना यहाँ पर, या तो अभी आठ ही है तो आप वहां पर दो से अधिक नहीं रह सकते। यहाँ क्या करना होगा आपको, नौ यहाँ दो, फिर दो का मा 18 तक भरिए, फिर 10 का मा दो, फिर दो का मा 8 का मा 11 का मा दो, फिर दो का मा, अभी क्रोमियम हटा देते हैं, क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद से हम कल अच्छे समझाएंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए, तो क्रोमियम हटा कर मैग्नीज लेते हैं, 25 होता है, दो का मा आठ का मा 13 का मा दो। तो इस तरह से हमने इतना समझा है, आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है? कल हम 1 से 50 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।